हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मोटोग्रिप। तो आज के रिव्यू वीडियो में हम बात करेंगे TVS रेडर के बारे में। अब ये 125 सीसी की लेटेस्ट ऑफरिंग है TVS की तरफ से। इससे पहले TVS के पास 125 सीसी कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, फ्यूनिक्स थी, बट उसकी कुछ खास सक्सेस रेट थी नहीं मार्केट में। बट अभी इस गाड़ी ने धमाल मचा के रख दिया। क्या क्या चीज़ें हैं आइए विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत हम लोग फ्रंट से करते हैं। तो आप देख सकते हो जो हेडलाइट है कंप्लीट मॉडर्न ज़माने का लग रहा है, और आर पैटर्न का आपको यहाँ पे DRS देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो आइए इसका एक बार लाइट चेक कर लेते हैं हम लोग। लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, कंप्लीट LED सेटअप में है। और ये लो बीम और ये हाई बीम हो गया। बात करें साइड प्रोफाइल की, तो आपको थोड़ा बहुत RTR से भी इंस्पायर ज़रूर मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आते हैं आपको डिस्क, पीछे में आपको ड्रम आते हैं। बट गाइस, इसमें TVS ने ABS नहीं डाला है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील नहीं हुआ है कि 125 सीसी में ABS देना ज़रूरी है। बट जो डिस्क की बाइट है वो अच्छी है। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे डिस्क की बाइट अच्छी लगी, रियली इंप्रेसिव। अगर हम लोग यहाँ पर टायर साइज़ की बात करेंगे तो 80, 100, 17 इंच के आपको रिमोरा ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं TVS के, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको हनीकॉम पैटर्न डग देखने को मिलता है दोनों साइड में, विच इज़ फॉर एरोडायनामिक। और यहाँ पे आपको हॉर्स का सिंबल रखा गया है। जो टैंक का है यहाँ पे डुअल टोन का इस्तेमाल किया है, थोड़ा पियानो फिनिश है, थोड़ा मैट ग्रे है, और ये येलो में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इंजन की बात करें तो ये है 5 सीसी का, जो कि आपको निकालता है 11.2 BHP और 11.1 Nm ऑफ टॉर्क। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ग्राउंडलेस सही है। गाड़ी में आपको टोटल 4 कलर ऑफर किए जाते हैं। एक ये सामने जो आप देख रहे हैं येलो, और एक ब्लैक, ब्लू, रेड। बट जो मोस्ट डिमांड है मार्केट में वो ब्लैक और रेड की है। बट ये कलर भी काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग हो जाता है। और यहाँ पे आपको रेडर की ब्रांडिंग की गई है। और सीट की कुशनिंग की बात करें तो सीट की कुशनिंग भी अच्छी है, हालांकि स्प्लिट सीट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे आपको थोड़ा मैट का इस्तेमाल किया गया, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इंडिया में लोग साड़ी पहनते हैं, तो यहाँ पे साड़ी गार्ड भी रखा गया है। और फुटरेस्ट की जो पोजीशन है सही लगी मुझे, कोई ज़्यादा आगे पीछे नहीं है, सही पोजीशन है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आती है आपको, और साइड स्टैंड इंजन कटअप का फीचर भी आता है। मतलब अगर आप गाड़ी चालू करोगे और गियर में गाड़ी अगर आपका स्टैंड लग गया तो यही गाड़ी वहीं पे बंद पड़ जाएगी। और यहाँ पे आपको ओपन चेन सिस्टम देखने को मिलता है, मीन्स आपको हर सर्विस पे इसे क्लीन कराना ज़रूरी है। सॉरी गाइस, थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा साइड से। तो और यहाँ पे आपको टायर प्रेशर के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई। पीछे टायर साइज़ की बात करें तो 100, 90, 17 इंच का आपको यहाँ पे रिमोरा ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। और ऑब्वियसली टायर के ग्रिप अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दोनों साइड देखने को मिल रहा है एज अ सेफ्टी। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइट है। और जो आगे DRS का डिज़ाइन था वही पीछे में भी आपको कॉपी किया गया टेल लैम्प में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हालांकि जब ये 125 आ रही थी रेडर की, तो हमने सोचा था कि यहाँ पे LED सेटअप रहेगा, बट अभी भी ये हेलोजन बल्ब में ही आते हैं। और जो इस गाड़ी का साइलेंसर, ऐसा नहीं लगता कि ये 125 सीसी का साइलेंसर है, एक 200 वाली फील देती है। और यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक आप यहाँ पे नए टर्म देख पा रहे हो TVS इंटेलिको, बेसिकली ये फीचर क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मतलब जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है क्रैंकिंग साउंड नहीं आती, उसी का एक नया टर्म यहाँ पे दिया गया है TVS की तरफ से, TVS इंटेलिको। और एक बार इसके एग्जॉस्ट साउंड भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सही है, कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको और शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे चाबी डालोगे तो पहले चाबी आप डिज़ाइन देख लो, ये वेव पैटर्न के डिज़ाइन है चाबी में, जो RTR 310 में भी आते थे। और जैसे आप यहाँ पे चाबी डालेंगे पीछे में, तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट भी रखा गया है, जिसमें आप अपने छोटे बहुत डॉक्यूमेंट रख सकते हो, RC, इंश्योरेंस, फर्स्ट एड किट और टूल किट भी यहाँ पे आप रख सकते हो। और पानी जाने के मुझे तो अभी कोई चांसेस यहाँ पे लग नहीं रहे। और इसे बंद करने के जैसे आपको यहाँ पे प्रेस करना है, एक क्लिक की साउंड आएगी और ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे। बात करें यहाँ मिरर में, तो आपको फिक कार्बन फिनिश का यहाँ पे थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है। आपको USB चार्जर स्पॉट देखने को मिलता है। और इसकी फिट एंड फिनिश इतनी अच्छी है कि मतलब पानी नहीं जाएगा, मतलब जंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि आपको माइलेज कंपनी क्लेम तो 60 करी, बट आपको रियल लाइफ में 50 का ज़रूर मिल जाने वाला है। और टैंक ये बाहर से फाइबर का, अंदर मेटल ज़रूर है। तो आइए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लुभावना है हम जैसे यंग जनरेशन लोगों को। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे RPM आपको शो होगा, यहाँ पे हेलमेट नहीं लगाया तो हेलमेट यहाँ पे ब्लिंक करती रहेगी, मतलब एक जस्ट रिमाइंडर है कि आप हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाएं। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर शो होगा, टाइम शो होगा, गियर शो होगा। और एक चीज़ और अच्छी है कि इसमें डाउनशिफ्ट करके भी दिखाता है, मतलब अगर आप मान लो 30 की स्पीड में चलो, गियर आपका 5 लग रखा है, तो आपको यहाँ पे डाउनशिफ्ट करने के लिए एरो की मदद से आएगा। यहाँ पे इंजन चेक लाइट है, ओडोमीटर, गाड़ी कितने किलोमीटर चली वो है यहाँ पे। यहाँ पे आप ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, ट्रिप A, ट्रिप B,
और ट्रिप एफ का भी एक फीचर आता है, मतलब फ्यूल कम रहेगी तो आप ट्रिप एफ भी एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि इसमें एक TFT का भी फीचर आएगा जिसमें आपको GPS नेविगेशन ब्लूटूथ वगैरह रहेंगे। और यहाँ पे बात करें क्या क्या चीज़ें, तो 1.8 किलोमीटर गाड़ी चली है, रेंज शो होगा, एवरेज आपको 40 किलोमीटर पर लीटर मिल रही, जबकि अभी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई, जस्ट गाड़ी अभी 1 किलोमीटर चली है उसमें। और यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, यहाँ स्ट्रेट टाइम वगैरह यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये यंग जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लुभावना फीचर है। यहाँ पे क्या बढ़िया लग रहा है एकदम। बात करें यहाँ पे तो आपको दो मोड देखने को मिल रहे हैं, हालांकि ये गाइस किल स्विच नहीं है, मतलब हम लोगों का आदत है यहाँ पे किल स्विच की, बट यहाँ पे किल स्विच नहीं रखा गया है। यहाँ पे पास साइड का बटन है, हाई बीम लो बीम, ऑन की बात करेंगे तो लाउड है, साइड इंडिकेटर बटन है। और यहाँ पे आपको पावर और इको मोड देखने को मिला, जैसे अभी इको मोड में, यहाँ पे अभी पावर मोड में आ गया और इको मोड में आ गया, दो मोड आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको मोड चेंज करने चलते वक्त, तो आपको जो रेस में चलोगे और जब चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगा, आपको जस्ट रेस छोड़ना है और पावर मोड में डाल देना है, फिर आपको रेस देना है। तो थोड़े बहुत आपको फील होते जब आप पावर मोड में छोड़ेंगे, तो थोड़ा एक्सेलरेशन में थोड़ा सा पंच आपको ज़रूर देखने को। और सबसे अच्छी चीज़ आपको जो दोनों लीवर में मिल रही है, वो यहाँ पे दोनों साइड में कट देख सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बेसिकली क्या होता है, जब बाइक गिरती है तो ये लीवर पूरा टूट जाता है, बट अब जब बाइक गिरेगी तो सिर्फ यहाँ से ये चीज़ टूटेगी। ये काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के यहाँ पे TVS ने रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे बढ़िया लगा। इसलिए कि TVS की रेडर कमेंट करके ज़रूर बताएं, जब भी बाइक चलाएं हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।